वेलकम बैक टू द चैनल बातें इंडियन मॉम की। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज है हमारा छुट्टी का दिन, टाइम हो चुका है 9:10 और हम लोग हो चुके हैं लेट उठने में, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, खासकर बाहर ना बर्फ पड़ी हुई है तो ठंडी में किसी का उठने का मन नहीं करता है, ये आप सबको पता है। और साबिर इसीलिए अभी तक सोया पड़ा है, तो हम उसको उठा भी नहीं रहे क्योंकि उसकी छुट्टियां चल रही है। तो आज कोई सैटरडे संडे नहीं है, बट इट्स जस्ट लाइक कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों की हॉलीडे शुरू हो गई है, तो वही छुट्टियों के दिन कट रहे हैं डेली, और वो छुट्टियां कैसे खत्म हो रही है ना वो पता तक नहीं चल रहा है रियली। अच्छा, अगर चैनल पे न्यू है तो छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है आखिरी तक देखने पे। अगर आपको अच्छा लगेगा ना तो सब्सक्राइब करके जाइए, ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा आपका एक गिफ्ट हो सकता है। और अब मनीष कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो मैं आपको उनसे ही पूछ के बताती हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है इधर से कि वो क्या करना चाह रहे हैं। मनीष किस दुविधा में है? आप देख रहे होंगे अभी मेरी आंखें भी नहीं खुली हैं, मतलब मुझे जबरदस्ती उठाया गया हुआ है, मैं पूरे सोने के मूड में था। जबरदस्ती उठाया गया है, उठाया गया हुआ है, अभी मैं यही सोच रहा हूँ उठ गया हूँ तो क्या करूँ। और मनीष यहाँ पे खड़े होकर सिर्फ बाहर ऐसे देख ही जा रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि यार आज कौन से ऐसे काम है बाहर के जो हम जाके कर सकते हैं, प्लानिंग क्या कर सकते हैं। हाँ, तो वही सोच रहा हूँ कि ऐसे कौन से काम है जो हमारे पेंडिंग है ताकि उसको हम आज खत्म कर लें। सबसे पहला काम है साबिर को उठाना। साबिर को उठाना। साबिर गुड मॉर्निंग, साबिर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साबिर को उठाना अगर इतना आसान काम होता तो मैं कब का उठा चुकी होती रियली। वो कुंभकर्ण बन चुका है, उसकी बिल्कुल नींद ही पूरी हो रही है शायद। हाँ, हो सकता है हम भी रात को आजकल 4-3 ऐसे सोते हैं, बस सुबह ही हो गई होती है तो इसीलिए उसका भी उठने का मन नहीं करता है, बट मनीष अभी उसको उठा रहे हैं। और सुबह सुबह बाहर इस बर्फ को देखते ही ठंडी लगनी शुरू हो जाती है। गुड मॉर्निंग मिस्टर सन। देखिए है मेरी मेहनत अभी तक साबिर यहाँ तक कि मैं उठा के इसको उस कमरे से इस कमरे तक ले आया। यहाँ पे इसका पोस्टर देखो आप लोग। साबिर मनीष ही थक गए अब तो। जागो मोहन प्यारे जागो, उठ जाओ। इसके ना उठने का कारण ये भी है कि कल रात को देखी हमने स्पाइडरमैन मूवी, तो ये बन गया था उसके बाद स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन लोगों की रात को हेल्प करने के बाद सुबह सो रहा है तो इसलिए नहीं उठ रहा है। मैं आपको रीजन बता रहा हूँ क्यों सो रहा है इतनी देर। वो बात दो कि इसमें नमक डालना भूल गई थी। कभी कभी गलती हो जाती है ना, इंसान से ही गलती होती है ना। तुम भी बहुत देर बहुत कुछ भूल जाते हो। सिर्फ बताया आजकल रोज खाने में कोई ना कोई कमी जरूर निकलती है। कल नमक ज्यादा हो गया था। बस 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 बहुत बेइज्जती हो। कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। आप भी खा लो। खा लो साबिर। तो
तो आप देख सकते हो कि मेरे फ्रिज की हालत बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, क्योंकि ये पिछले 15-20 दिन से बिल्कुल भी क्लीन नहीं हुआ है और ये मेरे से टूट गया यहाँ पे फ्रिज एक दिन खोलते खोलते। तो ये सारा फ्रिज आज हमें क्लीन करना है। मनीष, ये फ्रिज वाला कब ऑर्डर करोगे जो फ्रिज टूट गया है? मॉडल देख के एक बार, मतलब कंटेनर, एक बार देखता हूँ यार कि आज कर दूंगा। ये आज मैंने आप लोगों के सामने मनीष को बोल दिया, वैसे मैं बहुत दिनों से बोल रही हूँ, बट ये काम मनीष के एंड पे भी पेंडिंग है। इसने थोड़ा सा वो ऑर्डर करे, मुझे पता था डायलॉग तो यही होगा। तो ये मेरी गलती नहीं थी, सब्जियां बहुत ज्यादा थी और मैं जोर से खोल रही थी और वो हम लोग ना बहुत ढीले हो गए जब से मैं भी बाहर जाने लगी हूँ ना जॉब पे, तो हम बहुत ढीले हो गए और कुछ बहुत ज्यादा पार्टी सीजन था तो टाइम नहीं लग रहा था अपने ही घर के लिए, अपने कामों के लिए। लेकिन डेफिनेटली आज तो मैं इसको क्लीन करके ही रहने वाली। सो फ्रिज को क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया है एक लिक्विड, जिसमें मैंने ना 1 टेबल स्पून जो है बेकिंग सोडा और ल्यूकवार्म वाटर ऐड कर दिया है। साथ में इसी तरह का एक क्लॉथ रखा है और एक्स्ट्रा बेकिंग सोडा रखा है कि अगर मुझे लगेगा तो मैं ऊपर से भी स्प्रिंकल कर सकती हूँ थोड़ा सा। तो ये चीजें मैं यूज कर रही हूँ अपने फ्रिज को क्लीन करने के लिए। वैसे तो अगर आपको डीप क्लीनिंग करनी हो अपने फ्रिज की, तो हम चाहे तो डिटर्जेंट और बेकिंग सोडा को भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अभी सिर्फ और सिर्फ बेकिंग सोडा एंड ल्यूकवार्म वाटर को यूज करके ही जो है उसको क्लीन करने लगी हूँ। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो मैंने यही किया है कि अपने पूरा जो फ्रिज है ना उसको वैकेट कर रही हूँ, सारा सामान बाहर निकालने लगी हूँ थोड़ा थोड़ा करके। ये छोटा मोटा जो लेफ़्ट ओवर भी होता है ना, हम लोग ये भी अलग अलग यूटेंसिल्स में निकाल देते हैं, जिसकी वजह से फ्रिज और ज़्यादा भर जाता है, लेकिन और ऑप्शन भी नहीं है उसके लिए। अभी मैं यहाँ पर जो भी यहाँ पर डस्ट गिरी हुई है या चीज़ें जो लेफ़्ट ओवर फूड का कोई पार्ट गिरे हुए हैं वो हटा रही हूँ, एंड साथ में उसी के बाद मैंने यहाँ पर कर दिया है स्प्रे। जो मिक्सचर मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने बनाया है उसको मैंने स्प्रे कर दिया है। सबसे पहले मैं सिर्फ ये ऊपर वाले पार्ट जो है ना इसी को क्लीन कर रही हूँ। वैसे तो क्या है ना कि अगर आप चाहें तो सारा का सारा जो है वो डिटर्जेंट से भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन सारा सामान निकाल कर उसके बाद क्लीन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पे स्प्रे करके कर रही हूँ सारा का सारा, क्योंकि एक एक पार्ट को लेकर जाना उसको धोना बहुत डिफ़िकल्ट है। वैसे भी हम कर सकते हैं मंथली बेसिस के ऊपर क्लीनिंग अगर चाहें तो। तो यहाँ पे देखिए सारा का सारा ये तो क्लीन हो गया है। अभी बात आती है नीचे वेजिटेबल वाले पार्ट की, तो वो भी मैं करने वाली हूँ। इसको भी सारा खाली करूँगी एंड देन उसके बाद यहाँ पे करूँगी। तो वेजिटेबल को निकालने के लिए मैं यहाँ पे एक बास्केट ले आई हूँ, जिसके अंदर मैं सारी की सारी वेजिटेबल्स जो भी है मेरी वो निकाल दूँगी। अगली बारी ना मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी और मैं इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो मुझे उसके लिए कुछ दिमाग में है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। वो टिप्स मैं आपके साथ अगली बारी ज़रूर शेयर करूंगी और अपने फ्रिज में भी इंप्लीमेंट करूंगी, क्योंकि मैंने आज तक वैसा कभी किया नहीं है। सो वेजिटेबल्स भी निकल गई हैं अभी, तो मैं सबसे पहले इस वाले जो कंटेनर है इसको क्लीन करूंगी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंटेन क्लीन इट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है, तो अगर इसको धो के भी करूंगी तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मैंने फिर भी इसको इसी कपड़े के साथ कर दिया है क्लीन। और देखिए इसके नीचे कितना ज़्यादा डस्ट था, गंद पड़ा था लेफ़्ट ओवर फूड का, ये थोड़ा थोड़ा करके गिरता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता, तो ये मैं अब क्लीन कर रही हूँ। ये जो क्लीनिंग होती है ना हम लोगों की कई बारी, ये हर वीकली अगर हम, मैं तो कहती हूँ कि आप हर वीक करते रहो तो आपको ना धीरे धीरे वो साफ़ ही रहेगा, आपको ज़्यादा उस पर एफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन आज भी जो मैंने भी क्लीनिंग की है, ये नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने पड़े, क्योंकि वो ऑलमोस्ट साफ़ था, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो क्लीन करना ही पड़ा मुझे। ये नहीं है कि बिल्कुल साफ़ था तो था, लेकिन उतना तो नॉर्मल है, घर में हो ही जाता है हर एक इंसान के, इतना जो गंद होता है इतना तो हो ही जाता है। तो बस अभी ये वाला भी मैंने वेकेट कर दिया है सारा, और यहाँ पे नीचे सारा का सारा जो है ना बहुत ज़्यादा गंद पड़ गया था, तो अभी मैं यहाँ पे जो है झाड़ू लगा रही हूँ, सो दैट कि यहाँ से नहीं तो यही सारा पूरे घर में बिखरता जाएगा। तो बस हो गया है यहाँ पे हमारा सारा काम ऑलमोस्ट। यहाँ पे मेरा सारा का सारा फ्रिज क्लीन हो गया है, आप लोग देख सकते हैं मैंने एक एक चीज़ को अरेंज करके रख दिया है, सारी वेजिटेबल्स को सब कुछ। ये देखने में लग रहा था कि बहुत मेस्ड अप हो चुका है, लेकिन उतना मेसी नहीं था। हार्डली 15-20 मिनट्स लगते हैं अगर हम अपना फ्रिज वीकली बेसिस पे भी क्लीन करते हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। प्लानिंग तो हम सबकी रहती है कि हम लोगों को प्लान करके काम करते हैं, और वीकेंड जो होता है हमारा छुट्टी वाला दिन जो होता है ना वो
इन्हीं चीजों के लिए बना होता है कि हमें सफाइयां करनी है सारी की सारी। तो मैंने ये वाला कॉर्नर, ये वाली जो साइड है ना, ये भी सारी क्लीन कर दी है, सारी चीजें दोबारा से रख दी हैं। लेकिन ये इतना नहीं था डर्टी, क्योंकि ये चीजें उठती नहीं है, तो ये चीजें मतलब इनके कोई निशान भी नहीं बनते हैं। दूसरी तरफ हम लोग वेजिटेबल्स वगैरह रखते हैं तो इसीलिए निशान बन जाते हैं, तो वो धीरे धीरे स्टेन ज्यादा बढ़ती रहती है, इसीलिए गंदा भी हो जाता है। बट अब मेरा आज का पूरा काम जो मैंने प्लान करा था वो हो गया है। ये तो रूल है, स्नो पड़ी हो तो बाहर जाना हो तो कैसे जाएंगे, है ना मनीष? ये तो एक बहुत बड़ा काम है, कितनी ज्यादा है, और ये मनीष को क्लीन करने के ही जाना पड़ेगा, ऐसे तो जा ही नहीं सकते। वेट सावेर, केयरफुल। हम अभी आ गए हैं ग्रोसरी करने के लिए, मतलब मनीष अंदर गया, हम दोनों बाहर बैठे। ये साबिर ने बीच से इकट्ठे किए थे पेबल्स रॉक, वो अभी तक सेव करके रखे हुए, वो दिखा रहा है। तो बाहर ना वेदर बहुत अच्छा है, ठंड बिल्कुल भी नहीं है, मन कर रहा है कि वॉक की जाए। लेट्स सी, मनीष को आने देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है। तो चलिए व्लॉग को भी करेंगे यहीं पे खत्म। आई होप आप लोगों ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड